तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासे में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी अग्निवीर का सबसे पहला ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जिनका भी पेपर 16 अक्टूबर या फिर 13 नवंबर को है, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना है और कम से कम आपको 25 प्लस का सही जवाब देना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका आज के इस लाइव क्लास के अंदर कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए, बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO। आपको बताना है कि WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी दोहा या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप सभी को बताना है कि WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो देखिएगा, WTO का मुख्यालय जो स्थित होता है वो आपका जेनेवा में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे कि WTO का स्थापना कब हुआ था, तो WTO का स्थापना जो हुआ था आपका 1995 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर दो आपसे पूछा है कि वेयर इज पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड। आपको बताना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो देखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेट इज नोन एज द बाउल ऑफ राइस इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। जल्दी से बताना है कि भारत में कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो देखिएगा, चावल का कटोरा जो कहा जाता है वो आपका आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आपसे वो से पूछा गया है कि वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में पूछा आ चुका है, बल्कि यहाँ पर आपका 10th के बुक में भी दिया है। तो आपको जल्दी से बताना है कि ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। अयान मंडल, बरही मंडल, क्षमा मंडल या फिर ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। तो देखिएगा, ओजोन परत जो पाया जाता है वो आपका समताप मंडल में पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पांच बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा है कि हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। आपको जल्दी से बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है आपका अरविंद घोष, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु जो थे वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छः आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टर्म डेसिबल रिलेटेड। देखो, आपको बताना है कि डेसिबल जो शब्द होता है वो किससे संबंधित है, वायु, भूमि, ध्वनि या फिर ऑप्शन नंबर डी जल। बिल्कुल इसी लेवल का पेपर आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आपका ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी से बताना कि डेसिबल शब्द जो होता है वो किससे संबंधित है। तो देखिएगा, डेसिबल शब्द जो होता है वो आपका साउंड यानी कि ध्वनि से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सात आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज सांता वैली लोकेटेड। आपको बताना है कि सांत घाटी किस राज्य में स्थित है। असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। जल्दी से बताना है कि शांत घाटी कौन से राज्य में स्थित है। बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर बताया है, तो जो भी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी केरल बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आठ आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो होता है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, बी लखनऊ, सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। जल्दी से बताना है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले किनका राइट आंसर आता है, तो इसका राइट आंसर जो मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर बी जो भी लखनऊ बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आज का क्वेश्चन इस टाइप से टाइप हो गया है कि बहुत सारे मतलब आंसर जो आ रहा है ऑप्शन बी आ रहा है, तो आप लोग इसे माफ़ कर देना मैं, ताकि अगले दिन से अच्छे से इसे करके लाऊंगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नौ आपसे पूछा है कि माता बसंत इज द सर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि माता बसंत निम्न में से किनका उपनाम है। सरोजिनी नायडू,
इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन नंबर डे इनमें से कोई नहीं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हर शाम 7 बजे आपका आर्मी का लाइव क्लास होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बिल्कुल फ्री में आपको PDF ही मिल जाएगा, आपको सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जल्दी से बताने कि माता बसंत के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो देखिएगा माता बसंत जो हम लोग जानते हैं वो आपका एनी बेसेंट को पुकारते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा है कि विच वेदा इज सेड टू बी द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, आपको बताने के किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्वेद या फिर ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सामवेद, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद पूछे तो आपको ऋग्वेद करके आना है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है कि तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद कौन सा है, तो आपका अथर्वेद होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, कानन देवी, दुर्गा खोटे, देविका रानी या फिर ऑप्शन नंबर डी सुलोचना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी देविका रानी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देविका रानी रोड़िका इसका राइट आंसर होगा, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा है कि विच इज द ब्यूरल प्लेस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखो आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ पर है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग अच्छे से इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेना, और जो हिंदी वाले मैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ, तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी करना है। देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल आप लोगों से पूछे तो आपका पटना होगा, ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से पूछा है कि बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, आपको बताना है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है, सारथ नदी, गंगा नदी, अलकनंदा नदी या फिर ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी नदी। तो देखिएगा बद्रीनाथ जो मतलब कि बद्रीनाथ जो शहर होता है वो आपका कौन सा नदी पर है, तो बद्रीनाथ जो आपको पता होगा अलकनंदा नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पटना, वाराणसी ये सब जो जगह है वो आपका गंगा नदी के मतलब गंगा नदी के तट पर बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज़ द मोस्ट एबुडेंट रीजन इन जूट प्रोडक्शन, आपको बताना है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी केरल। मैं आपको बहुत ही कम टाइम दूंगा, बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिएगा जूट उत्पादन में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच फील्ड इज़ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड गिवन, आपको बताना है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा, फिल्म, शांति प्रयास या फिर ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता। और इसका राइट आंसर आपको HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है, जिनका पहला आता है आंसर मैं उनका कमेंट को पिन कर दूंगा, तो जाकर के जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, आपको बताना है कि भारतीय वन्य अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, कानपुर, देहरादून, चेन्नई या फिर ऑप्शन डी जबलपुर। जल्दी से बताना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर बी जो भी देहरादून बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बार आपके पेपर में पूछा आ चुका है। क्वेश्चन 17 पूछा है कि व्हाई इज नेपानगर फेमस, आपको बताना है कि नेपानगर जो होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन है आपका अखबारी कागज, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी चीनी या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊनी वस्त्र। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिएगा नेपानगर जो प्रसिद्ध होता है वो आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध होता है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से पूछा है कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, आपको बताना है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिएगा विश्व का पहली महिला प्रधानमंत्री बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका सिरिमाओ भंडार नाइका के साथ चला जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और श्रीलंका से बनी थी, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री थी वो आपका इंदिरा गांधी थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। जल्दी से बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज।
तो देखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक जो होते हैं वो आपका चाणक्य कौटिल्य होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु किल्ड महात्मा गांधी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि महात्मा गांधी की हत्या जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो देखिएगा महात्मा गांधी की हत्या जो किया गया है वो आपका नाथूराम गोडसे के द्वारा, किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे ने किया है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद, आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी भगत सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। तो देखिएगा इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था वो आपका किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि द मोस्ट इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज सीन इन, आपको बताना है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया, कौन की कौन से फसल में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चावल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट, आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी तरह क्वेश्चन वीडियो को लाइक करो और अपने सभी व्हाट्सअप ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो देखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था यानी कि कब लड़ा गया था, तो आपका 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप से पूछा है कि हाउ मेनी कैरेट्स इज प्योर गोल्ड, आपको बताना है कि शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, 18, 21, 23 या फिर ऑप्शन डी 24। तो देखिएगा शुद्ध सोना जो होता है आपका 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी दीमापुर, ऑप्शन सी गैंगटोक, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय सेना की पूर्वी कमान का जो मुख्यालय होता है यानी कि हेडक्वार्टर होता है वो आपका कोलकाता में होता है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। और जिनका भी 16 अक्टूबर और जिनका भी 13 नंबर का पेपर है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो, आपका तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। मेरा माइक वगैरह सब कुछ ठीक हो गया, यानी कि डेली आपका 7 बजे लाइव क्लास होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।